सावन की पहली बारिश ने ही दरभंगा नगर निगम की पोल खोल दी है। निगम की लापरवाही के चलते नाली और सड़क का अंतर खत्म हो चुका है। स्थानीय कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डीएमसीएच के वार्ड सहित कई लोगों के घरों में भी गंदा पानी घुस गया है। शहर में बाढ़ सा नजारा साफ दिखाई पड़ने लगा है। मंगलवार की देर रात से हो रही झमाझम बारिश ने दरभंगा नगर निगम के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है। मानसून की बारिश से जहां एक तरफ लोगों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम सहित उसके अधिकांश वार्ड जलमग्न हो गए। सभी वार्डो के सड़कों पर 1 से 2 फीट पानी लग जाने से कई लोगों के घरों में नाली के गंदे पानी प्रवेश कर गया है, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोग निगम प्रशासन से पंप लगाकर पानी निकासी की गुहार लगा रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग, औषधि विभाग, शिशु रोग विभाग, स्त्री रोग विभाग सहित पूरे परिसर जलमग्न हो गए। जल जमाव की वजह से इलाज कराने पहुंचे मरीज, उनके परिजन और स्वास्थ्य कर्मियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में चारों तरफ जल जमाव होने की वजह से नाले का गंदा पानी आपातकालीन विभाग, औषधि विभाग, शिशु रोग विभाग सहित कई वार्डों में घुस गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। दरभंगा नगर निगम कार्यालय के ठीक बगल में रहने वाले अजय मोहन प्रसाद के घर में पानी प्रवेश कर गया। उनकी माने तो देर रात से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण उसके घर में 2 फीट पानी घुस गया। अचानक पानी प्रवेश कर जाने के कारण घर के नीचे रखे सारे सामान बर्बाद हो गए। सबसे बड़ी समस्या खाना बनाने की हो गई है। इस गंदे पानी के बीच कैसे लोग बाजार जाएंगे और सामान खरीद कर खाना बनाएंगे। वहीं उन्होंने नगर निगम प्रशासन से अपील की है कि पंप सेट के माध्यम से जल्द जल्द पानी की निकासी की जाए। दरभंगा नगर के भाजपा विधायक संजय सरावगी ने कहा है कि मानसून आने के पूर्व जल निकासी को लेकर लाखों का योजना बनाया जाता है और नगर निगम के माध्यम से सफाई की खानापूर्ति कर दी जाती है। अभी दरभंगा के कॉलेजों में बीए की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें छात्र छात्राओं को पानी के रास्ते चलकर परीक्षा हॉल तक जाना पड़ रहा है। दरभंगा के भाजपा विधायक कहते हैं कि सही मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से सभी जगह जल जमाव हो जाता है। अगर नगर निगम थोड़ा ध्यान देगा किस कारण जल जमाव होता है, अगर उसे क्लियर कर दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। वह भी कहा कि जब हम लोगों की सरकार थी, जब बाढ़ आई थी, उस वक्त हम लोगों ने बड़े बड़े पंप नगर निगम से खरीदारी करवाई थी, वो पंप आज भी हैं। नगर निगम चाहेगा तो तुरंत पंप को चलाकर पानी को निकाल सकता है, लेकिन लापरवाही के कारण ये नहीं हो पा रहा है और ऐसा हाल बना हुआ है। बहुत परेशान है, रातें से काफी जोरदार बारिश हुई है। इस बारिश में मेरे घर के अंदर करीब 2 फीट पानी प्रवेश कर गया है। हर रूम में, किचन में, बाथरूम में, बरामदा पर, आंगन में, सभी तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। 6 माह पहले बरसात के, 5 माह पहले सरकार का बराबर पत्र आता है और खाना पूर्ति नगर निगम के माध्यम से भी हो जाती है। करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन बिना सही मॉनिटरिंग के सब जगह पानी लगा हुआ है। अब पानी लगा हुआ है, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कहाँ पे पानी अटक रहा है, अगर उसको क्लियर कर देने से पानी क्लियर हो जाएगा। हम लोग की सरकार थी, जब बाढ़ आया था तो बड़े बड़े पंप हम लोगों ने खरीदवाए थे नगर निगम, वो पंप भी है, तुरंत पंप आउट हो सकता है, लेकिन सही मॉनिटरिंग और सही ध्यान और लापरवाही के कारण जो है ये हालत शहर की है।